बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। अलीगढ़ के खेतों में पानी भरने पर किसानों ने प्रदर्शन भी किया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आप। यूपी में लगातार बारिश से आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। यूपी के अलग अलग जिलों में भारी बारिश के बाद पैदा हुए हालात की ये छह तस्वीरें हैं। झांसी के शाहजहांपुर के पुलगाना गांव में लगातार बारिश की वजह से दो मंजिला मकान धराशायी हो गया। गनीमत रही कि मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, पर बाइक समेत गृहस्थी का सामान मलबे में बर्बाद हो गया। बिजनौर में बीते दो दिन से हो रही लगातार बारिश से लोगों का जीना मुहाल हो गया। रामपुर गांव के बाजितपुर में बारिश की वजह से एक पुराना मकान गिर गया। राहत की बात की रही कि मकान के सभी लोग सुरक्षित बचा लिए गए। देश के कई हिस्सों में हो रही लगातार बारिश के चलते प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। दोनों नदियों का जलस्तर 4 से 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है, जिसके बाद आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अचानक गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हम इस वक्त संगम तट पर मौजूद हैं। संगम तट क्या कहें, बांध पर मौजूद हैं। और संगम तट यहां से करीब 1.5 किलोमीटर आगे होता था, लेकिन जिस तरह से पानी बढ़ा है उसके बाद पानी बांध तक पहुंच गया। और आप सामने देखें तो बड़े हनुमान जी का मंदिर जो है वो डूब गया है और हनुमान जी ने एक बार फिर से स्नान कर लिया है। इसके पहले 7 अगस्त को जब गंगा का जलस्तर गंगा यमुना का बढ़ा था तो मंदिर में गंगा प्रवेश कर गई थी और उसके बाद हनुमान जी ने स्नान किया था। हालांकि धार्मिक मान्यता के अनुसार लोग इसको शुभ संकेत मानते हैं कि मां गंगा बजरंग बली को स्नान कराने आई है, लेकिन जिस तरह से पानी बढ़ा है उससे कुंभ मेले के आयोजन को लेकर मेला प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि ये जो अथाह जलराशि दिखाई दे रही है इसी मैदान में कुंभ मेले का आयोजन होना है और पानी सितंबर में बांध तक पहुंच गया है, तो अगर ये पानी यहां से वापस भी जाता है तो जो जमीन है वो दलदली जमीन होगी, वहां पर तैयारी करने में भारी मुश्किल आएगी। लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कब तक ये पानी पीछे जाता है। और जिस तरह से यमुना की बात करें तो यमुना से केन, बेतवा, चंबल जैसी तमाम नदियों के जरिए जो तमाम सहायक नदियां हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों का पानी सीधे इस यमुना के जरिए यहां पर पहुंचता है। इसके अलावा गंगा की बात करें तो उत्तराखंड है, हरियाणा का कुछ हिस्सा है और तमाम उत्तर प्रदेश का जो तमाम गंगा का मार्ग है, तमाम सहायक नदियों का जल है उसके माध्यम से यहां पर पानी पहुंचता है। तो जिस तरह से अगर हम बात करें तो 1 मीटर से ज्यादा गंगा और यमुना का जलस्तर बीते 36 घंटों में 1 मीटर से ज्यादा बढ़ा है, जिसके चलते यहां पर नई चुनौती खड़ी हो गई है और संगम जो है अपने स्थान से खिसक कर करीब 1.5 किलोमीटर आगे आ गया है। गंगा का मैदान पूरा पानी में डूब गया है, तो तमाम चुनौतियां हैं। तमाम निचले इलाकों में पानी जो है वो भरने की आशंका पैदा हो गई है। कुछ गांवों का संपर्क जो है, जो गंगा के किनारे तट पर गांव है उनका संपर्क जो है वो कट गया है। इसके अलावा तमाम प्रयागराज के जो मोहल्ले हैं, जो लो लाइन एरिया के मोहल्ले हैं, वहां पर भी पानी पहुंच गया है। तो एक तरह से बड़ी चुनौती है जिला प्रशासन के लिए, कुंभ मेला प्रशासन के लिए और खासकर उन लोगों के लिए जो गंगा के तटों पर रहते हैं जहां पर गंगा का पानी पहुंच रहा है। तो अब देखना ये होगा कि इस चुनौती से प्रशासन कैसे निपटता है और किस तरह से लोग जो है, जो गंगा के पानी बढ़ने से जिनके घरों तक पानी पहुंचा है या जिनके गांव तक पानी पहुंचा है, वो किस तरह से इस समस्या से निजात पाते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल कुंभ मेला प्रशासन के सामने है, क्योंकि इसी गंगा के मैदान में कुंभ मेले का आयोजन होना और उसके पहले जिस तरह से सितंबर के महीने में ये पानी पहुंचा है उससे तमाम जो कुंभ मेला प्रशासन के अधिकारी हैं उनके माथों पर बल नजर आ रहा है। लखीमपुर खीरी की इस तस्वीर को देखिए। बनबसा बैराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद पलिया तहसील में हालात बेकाबू। सड़कों पर पानी की तेज धार बह रही है। बीरा पलिया मार्ग के जपटा पुल पर पानी की तेज बहाव के बीच गाड़ियां चल रही है। इतना नहीं, शहर के अंदर भी कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। हाथरस में भारी बारिश के चलते खेतों में पानी भर गया। मुरसान ब्लॉक से कई गांवों को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग पूरी तरह से पानी में डूब गया, जिससे किसानों की मुश्किलें बढ़ गई। कई इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सर, इसमें तो बहुत नुकसान हुआ है। 40 बीघे बाजरा खराब हो गया। सरकार से कुछ मिलनी, मदद मिलनी चाहिए। और पानी इतना जमा हुआ है कि पशु जानवर बहुत नुकसान कर रहे हैं, नुकसान पा रहे हैं। न कहीं चारा है, न कुछ है, बाजरा सब बेकार हो गया खाने के लिए। अब क्या करें, आप लोगों की मदद हो जाए तो बहुत बढ़िया है। नुकसान हो गया, बारिश हुई है क्या जे, क्या कहते हैं, बंद बाजरा जे सब बेकार हो गए। बने तो बंद तो सारा सब बेकार हो गया। उसमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो क्या इस पानी से आपको लाभ है या नुकसान है? नुकसान है पानी से हमें, जो फसल पकी हुई बेकार हो गई। अब जा तुम घूम लो, मास्क लगा देंगे। हम तो किसान आदमी, हम तो कुछ कह नहीं सकते।
उधर अलीगढ़ में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इगलास की गांव कान चिरौली में सिंचाई विभाग के नाले की सफाई नहीं होने की वजह से कई गांव में धान के हजारों बीघा खेत में पानी भर गया। फसल बर्बाद होने की वजह से किसान परेशान है। किसानों ने सिंचाई विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। हमारे गांव में आसपास क्षेत्र में 5 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। इसकी वजह से गांव के चारों तरफ पानी भरा हुआ है। धान की सारी फसल नष्ट हो चुकी है, डूब चुकी है और सिंचाई विभाग से बार बार अनुरोध किया है कि इस नाली की सफाई कराई जाए, पर कोई अधिकारी नहीं सुनता है। धान सब डूब चुके हैं, किसानों की हालत खराब है। सबने किसी ने कर्जा लिया है, कर्ज ऋण लेकर के धानों में फसल में जो भी लागत लगाई है वो साली नष्ट हो चुकी है। अब इसका पानी का कोई निवारण नहीं है। सिंचाई विभाग या कोई प्रशासन इसकी कोई देखरेख नहीं कर रहा है कि नाले की सफाई हो, जिससे कि किसानों का कुछ राहत मिल सके। परेशानी का पूरी फसल डूबी पड़ी है पानी की वजह से। मांग जाइए सरकार से कछु अनुदान देता जावे तो क्या। लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से रामपुर के कई गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। रामपुर शहर से करीब 1 किलोमीटर दूर शमशान घाट कोशी मंदिर के पास तक बाढ़ का पानी पहुंच गया, जबकि कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। रामपुर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कोसी नदी के अंदर रामपुर में लगातार रामनगर बैराज से पानी छोड़ा जा रहा था, जिसके कारण आज रामपुर में बाढ़ की स्थिति बन चुकी है और रामपुर के अंदर बाढ़ आ चुकी है। कई गाँव जलमग्न हो गए हैं और रामपुर शहर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर मैं अभी खड़ा हुआ हूँ। ये मेरे पीछे जो है वो लगातार जो है वो बहुत तेजी से पानी बह रहा है। ये रास्ता लालपुर की ओर जाता है, सैद नगर ब्लॉक का ये रास्ता है और यहाँ से मात्र हमारा तोपखाने का गेट जो है वो मात्र 1 किलोमीटर है। शहर मात्र 1 किलोमीटर यहाँ से रह गया है। रामनगर बैराज से 56,000 क्यूसेक पानी शाम छोड़ा गया है, तो जिसकी वजह से ये यहाँ पूरा रास्ता अवरुद्ध हो गया है और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तो ये पानी अभी भी जो है वो अचानक आ गया है, प्रशासन ने आपको सूचित कर दिया? कोई सूचना नहीं दी है इस पानी की, ऊपर से पानी डायरेक्ट आया है। कुल मिलाकर लगातार बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं अलग अलग जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अगर बारिश का सिलसिला जारी रहा तो आने वाले दिनों में हालात और भी बिगड़ सकते हैं। टीम न्यूज सिस्टम। आगे बढ़ेंगे। चलिए, हिंदी दिवस पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में 2 दिनों के अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदी के जानकार हिस्सा ले रहे हैं। तो हिंदी के कुछ प्रोफेसर से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनाते हैं आप। आज हिंदी दिवस है और इस उपलक्ष्य में आज गोरखपुर विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मुख्य अतिथि तौर पर शामिल हुए और हमारे साथ कुछ प्रोफेसर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और सबसे पहले हमें हिंदी